आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको सीवी यानी रिज्यूम जिसे बोला जाता है वो बनाना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको सीवी बनाने के लिए साइबर कैफे या शॉप दुकान वाले के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर जो है उसको 100 रुपीज़ तक चार्ज कर देता है और उसको मजबूरी है क्योंकि भैया उसको जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। तो पहले भैया जो आप जॉब के लिए जाया जाता है या इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे सीवी मंगाया जाता है जिसमें आपका पूरा डिटेल होता है, आप कहाँ पढ़ाई किए हैं, आप क्या काम किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारे उसमें जो सीवी मेंशन रहता है। तो वो आप कैसे बनाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल से लैपटॉप से, आपको मैं इस वीडियो में यही डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से आप सीवी कैसे बनाएंगे वो भी घर बैठे। तो सीवी कैसे बनाया जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि इस तरीके से सीवी बनाया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको सीवी बनाना बताया हूँ कि किस तरीके से आप सीवी बनाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉचिंग करना होगा, देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लैपटॉप से सीवी बनाने के लिए आपको यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में टाइप हेयर टू सर्च, आपको यहाँ पे टाइपिंग करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आपके सामने देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपके यहाँ इसे नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है सीवी, मतलब सीवी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है सर्कम्भीट। तो मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ, देखिए सर किस मैं सर्कम्भीट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जो है बहुत छोटा में लिखा रहा है स्मॉल में। तो आप इसको बोल्ड करने के लिए सिंपली इस पर जाएंगे और इस तरीके से आप जिसको भी बोल्ड करना जैसे भी बोल्ड करना चाहते हैं इस तरीके से, इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं इसको आप इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है मैं बताया हूँ पहले, इसके बाद इस तरीके से इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करके आपको बोल्ड करना है, ऐसे नहीं बोल्ड करना है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है पहले आपको, फिर यहाँ पर जहाँ भी आप जितना बड़ा भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ सर्कम्भीट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सर्कम्भीट। आप इसको इसी तरीके से आपको लिख देना है, अगर लग रहा है कि बहुत बड़ा छोटा है तो इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट करके छोटा बड़ा इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका जितना आप रखना चाहते हैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से आप इसको रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ देखिए सेंटर, आपको यहाँ सेंटर कर देना है, ये सेंटर में हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको मोटा भी कर सकते हैं, इसका अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन इतना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर सिर्फ आपको इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो ये जितना बड़ा भी रखना चाहते हैं इसको आप यहाँ साइज ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से आपको साइज को ऐसे कर्सर लेके जाइएगा, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ये छोटा बड़ा होता चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रख लेना है, इसके बाद सिंपली हम इंटर करेंगे। इसके बाद जो भी आपको नाम लिखना है, जैसे यहाँ सेंटर में ही यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में कर लेंगे और यहाँ पे आप पहले आप एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे जो भी इसका नाम है, तो जिसका सीवी है उसका पहले यहाँ पे आप नाम टाइपिंग कर देंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिख देना है, नाम अगर बहुत बड़ा लग रहा है तो इसी तरीके जैसे मैं बताया हूँ इस तरीके से आप इसका छोटा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। जितना बड़ा छोटा बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करके पहले इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या अंडरलाइन नहीं करना चाहते सिंपली इसी तरह रहने दीजिएगा, यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बोल्ड अनबोल्ड यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको एंटर दबाना है, इसके बाद यहाँ पर आप जो है एप्लीकेंट है इसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने से पहले आप इंडिया से हैं तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस करके डालिएगा। तो आपको कंट्रोल पहले कंट्रोल प्लस दबाना है, तो आपको कंट्रोल और इसके बाद प्लस दबाना, तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शिफ्ट और आपको देखिएगा बैक स्पेस के बगल में होगा प्लस वाला, तो वहाँ पे आपको प्लस दबाना है, शिफ्ट और प्लस, तो ये प्लस वाला आइकन बन जाएगा। इसके बाद आप अपना कंट्री का कोड डालेंगे अकाउंट में, इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है।
मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर एक से ज़्यादा है तो कोमल आकर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल है तो छोड़ देंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल देंगे, तो यहाँ पर आप ईमेल लिख दीजिए, इसको आप कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल में लिख दिया ईमेल, इस तरीके से आपको ईमेल लिख देना है और जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कैरियर ऑब्जेक्ट डाल देना है, जो आप कुछ जानते हैं उसके डिटेल में यहाँ से आपको उसमें थोड़ा लिखा हुआ होना चाहिए, थोड़ा शानदार तरीके से, जिससे पढ़ के जो है इंटरव्यूअर लगे कि नहीं कुछ प्रोफेशनल लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है कैरियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्ट आपको बहुत शानदार आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कैरियर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इसको आप इस बोल्ड करके या अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे ये लुक थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे आप डाल देना आपको वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपको अगर आप इंडिया में वर्क किए हुए हैं तो आपको इंडिया का भी वर्क आपको डालना पड़ेगा, कितना साल भी इंडिया में किए हुए हैं या फॉरेन कंट्री में भी किए हुए हैं तो वो भी आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले वर्क एक्सपीरियंस लिख देता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। लिखने के बाद इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ बोल्ड करके यहाँ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटर दबाइए, इसके बाद जो भी एक्सपीरियंस है इंडिया का फॉरेन का वो लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर 2 इयर्स इंडियन और 4 इयर्स एक्सपीरियंस गल्फ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर में फिर डालना है वर्क एक्सपीरियंस आप कौन कौन से कंपनी में है, तो वो कंपनी के नीचे आपको टाइपिंग कर देना है। लिखने के बाद सिंपली इसी तरीके से इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसका सिंपली इंटर मारिएगा, इंटर मारने के बाद यहाँ पर लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब कंपनी का नाम। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पर बुलेट डाल देना है, तो बुलेट के लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ बुलेट आ चुका है। अगर इस तरीके से डॉट नहीं चाहते हैं आप तो सिंपली नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जो भी नंबर रखना चाहते हैं, देखिए 2 पर इस तरीके से 2, 3 करके आप यहाँ पे नंबर जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आपका नंबर आ जाकर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर रखना चाहेंगे, चाहते हैं ABCD करके जो भी, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आता जाएगा और आप लिखते जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे बुलेट रख देते हैं, तो बुलेट कुछ अच्छा लगता है, इसे बुलेट पे क्लिक करेंगे, ये बुलेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, मतलब कंपनी का जो भी है, तो पहले लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद कंपनी का नाम डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डालने का जो भी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। इसके बाद एक से ज़्यादा कंपनी है तो इंटर मारिएगा, देखिए ये जो है बुलेट ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ, देखिए ये आ चुका है, इसको मैं नहीं लेना चाहते इसलिए सिंपली यहाँ से इसको हटा देंगे। इसको यहाँ से आप जो भी कंपनी का नेम वगैरह है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है, तो यहाँ ड्यूरिंग टाइपिंग कर देना और भी जो ढेर सारा है वो यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है। तो यहाँ पे आपको ड्यूरिंग प्रोजेक्ट का नियम क्या था, रोल आप क्या थे, मतलब आप कंपनी में को आपको कौन पोस्ट पर था वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या था, जिम्मेदारी आपकी क्या थी, वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है, अगर बहुत छोटा लग रहा है तो इस तरीके से सेलेक्ट करके इस तरीके से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद जितना बड़ा भी आप साइज रखना चाहते हैं इस तरीके से इसका साइज आप बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इतना ही साइज रहने देता हूँ। इसको आप लिखने के बाद इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले समझाया था, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा बोल्ड करके इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा तो काफ़ी बेटर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी है डिटेल यहाँ पर लिख देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देना है, इसके बाद इंटर मार के आपको अगला जो है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनी है तो आपको यहाँ पे और कंपनी का नाम डालना, जैसे मैं यहाँ पर दूसरे कंपनी का भी नाम डाल लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से जाएंगे बुलेट पे, यहाँ से मैं बुलेट ले लूँगा और बुलेट का आप इस तरीके से बुलेट का साइज भी यहाँ से जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी साइज करना चाहते हैं यहाँ से इसको साइज को इस तरीके से यहाँ से इस साइज को आपको सेलेक्ट करके इसे यहाँ से बोल्ड कर लेना है। इस तरीके से दूसरे कंपनी का भी नाम है वो लिख देना है। इसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पे ड्यूरिंग लिखना है, प्रोजेक्ट नेम लिखना है, रोल लिखना है कि क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो भी है यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लिख देना है। लिखने के बाद सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ से इसको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहते हैं इस तरीके से कर लेना है। कलर भी करना चाहते हैं तो कलर के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है आपका ओपन होकर आ जाता है, इसमें से जो भी कलर रखना चाहते हैं, देखिए मैं कर्सर घुमा रहा हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए ब्लैक ही रहने देता हूँ क्योंकि ब्लैक में ही CV लिखा जाता है। अब जो भी ड्यूरिंग है, प्रोजेक्ट नेम है, रोल आपका क्या था आपके कंपनी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी, जिम्मेदारियाँ क्या थी, वो आपको यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर टाइपिंग करना है ड्यूरिंग मतलब कितने से कितने साल तक आप काम किए हैं वो आपको डाल देना है। प्रोजेक्ट में डालना कि आप कंपनी में क्या आपका प्रोजेक्ट था वो आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ इलेक्ट्रीशियन,
मतलब रोल क्या था, मैं यहाँ डाल देता हूँ सैट इलेक्ट्रीशियन। इसका क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब जिम्मेदारी था कंपनी में क्या था, वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। इस तरीके से टाइपिंग कर देना है। इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके सिंपली इसको बोल्ड कर लेना है। तो बोल्ड के लिए सिंपली मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जाना है, इस तरीके से इसको बोल्ड कर देना है। और बड़ा छोटा करने का सिंपली इस पर जाइए कर्सर लेके, इस तरीके से आपका बड़ा छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप जाएंगे कर्सर लेके, वो छोटा बड़ा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका हो जाता है। चलिए मैं यहीं ये रहने देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसको गैप देने के लिए यहाँ पर जैसे रख के इंटर मारिएगा तो ये गैप हो जाएगा, ठीक है। इसको बैक स्पेस कीजिएगा तो ये कम हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका गैप भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिजाइनेशन दे देना है कि आप साइड पे क्या थे, तो वो आपको डाल देना है। इसी तरह इसको आप अंडरलाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी इस तरीके से, मोटा बोल्ड इस तरीके से बोल्ड पतला कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसका साइज भी अगर छोटा बड़ा करना चाहें तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से इसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए ये मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेटर लगता है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये रहने देना है। इसके बाद आप साइड पे क्या थे वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रीशियन। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसका आप जिम्मेदारी क्या है, क्या आप तरीका से काम कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इंटर मार्क की यहाँ पर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो पहले लिख दीजिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से जाके इसको बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बोल्ड हो जाएगा। तो आपको अंडरलाइन भी देना चाहते हैं इस तरीके से दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप बोल्ड कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए अंडरलाइन है, इसको हटा देना है आपको, सेलेक्ट करके इसको अंडरलाइन हटाना है, नहीं तो ये नहीं हट पाएगा, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा, जो भी बोल्ड करना है तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। इसके बाद यहाँ कुछ पर्सनल क्वालिटी भी दे दीजिए, जो आप अपने में हो, आपके खुद में हो, तो पर्सनल क्वालिटी यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पर्सनलिटीज लिख देना है, पर्सनल क्वालिटीज में कि आपके अंदर में क्या सब है, वो इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है। इसके बाद फिर से इंटर मारना है। इसके बाद और इसमें और आपको लिख देना है की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल, मतलब आप क्या हैंडल कर सकते हैं साइड पे, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे देना है, ताकि जो भी मेरे जो सीवी देखेंगे, जो भी एग्जामिनर है, इंटरव्यूअर है, जो भी मेरे सीवी देखेंगे, वो लगेगा कि नहीं इसमें कुछ अलग से हैंडल करने का कुछ क्षमता है, ज्ञान है। तो वो अभी आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। लिखने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से इसको पकड़ के सेलेक्ट करके इस तरीके से कर सकते हैं, इंटर मारेगा थोड़ा स्पेस हो जाएगा। इस तरीके से इसको पूरी सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कलर वगैरह तो मुझे बता दिया कि आपको कलर करना है, सिंपली इसको पूरा का इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली जो है एरो, इस पर जाने के बाद जो भी कलर में आप रखना चाहते देख रहे हैं कलर पूरा ये चेंज हो रहा है, तो जो भी कलर रखना चाहते हो वो आपको यहाँ से रख लेना है। चलिए जो है सीवी बनता है ब्लैक में ही, तो मैं ब्लैक वर्ड ही रहने देता हूँ। इसको यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेंथ वगैरह डाल देना है। यहाँ पर स्ट्रेंथ में मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी वगैरह होती है, तो कुछ इसमें आपको डिटेल्स डाल देना है। टाइपिंग करने का सिंपली इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद सिंपली इसको रख के इंटर मारिएगा, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, यहाँ पर रख रख के इंटर मारते रहिएगा, तो ये थोड़ा आपका जो है स्पेसिंग हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करके इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना है, और इस तरीके से आपको बोल्ड कर लेना है, ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा आपको। इसके बाद आपको आ जाता है इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको इसमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया जैसे फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासपोर्ट का जो है रिन्यूअल कब है हुआ था, कब एक्सपायरी है, कब मतलब आपका बना था, वो सब डिटेल आ जाता है, तो वह आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ मैरिड स्टेटस मतलब आप शादीशुदा है या अनमैरिड है वो डालना है, यहाँ लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा जानते हैं, ये यहाँ पे हॉबी डालना है। मुझे हॉबी जैसे आप क्रिकेट मूवी सिनेमा कोई सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते हैं या आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाता है, तो जो भी फादर का नाम है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नाम टाइपिंग कर देता हूँ, आप भी इसी तरीके से नाम टाइपिंग कर देंगे, कैपिटल में कीजिएगा, इस तरीके से आपको नाम टाइपिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम टाइपिंग करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से टाइपिंग कर देना है। इस तरीके से आप अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस, लैंग्वेज, हॉबीज और एड्रेस इस तरीके से यहाँ पर टाइपिंग कर देना आपको भी। इसके बाद आपको नीचे आपको डालना है पासपोर्ट का डिटेल्स, तो जो भी आपका पासपोर्ट हो इंटर करके यहाँ पर अपना पासपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। टाइपिंग करने के बाद इसको आप
अंडरलाइन कर देंगे, थोड़ा बेटर लगेगा। इसके बाद यहाँ पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू कब हुआ था, जगह का नाम देना है, डेट ऑफ इशू कौन सा डेट में हुआ था और एक्सपायरी कब होगा पासपोर्ट, वो आपको यहाँ पर पूरा पासपोर्ट का डिटेल डाल देना है। इस तरीके से पासपोर्ट नंबर, इशू कब हुआ था, कहाँ से हुआ था वो डालना है, इशू डेट डालना है और एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद नीचे आप अपना कुछ डिक्लेरेशन दे देंगे, अपने बारे में कुछ बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन भी लिख देना है। लिखने के बाद ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद इसमें हमको पिक लगाना है। पिक लगाने के लिए यहाँ होम है, यहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट पर आइएगा, यहाँ पिक का ऑप्शन है, पिक वाले पे ओके कीजिएगा और जहाँ भी आपका जो पिक होगा, फ़ोटो होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको यहाँ डेस्कटॉप पे है तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ भी आपका होगा उस वो सेलेक्ट कर लेना है, मेरा डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर जहाँ भी फ़ोटो होगा इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से आपको इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट वाले पर ओके कर देना है। ओके करते देखिए ये फ़ोटो आपका आ चुका है। अब इसको क्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको आप क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको जितना छोटा रखना है इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको जितना भी छोटा रखना है साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो आइकन दे रखा है, इस तरीके से इसको पकड़ के आप इस तरीके से घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे ही रखना है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और जहाँ भी लेके जाना है इस तरीके से देखिए यहाँ पर ला कर जाके छोड़ देना है। ये आपका पिक लग चुका है, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब इसको सेव करने के लिए पहले आ जाना है यहाँ पे, देख रहे हैं कि पेज लेआउट में यहाँ साइज ले लेना है। यहाँ हमेशा जो होता है A4 साइज पे ही प्रिंट किया जाता है, इसलिए आपको ये साइज 4 आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाना है देखिए साइड में, लेफ्ट साइड में ऊपर इसको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको सेव एस पे, सेव एस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको पाथ चूज कर लेना है कि कहाँ हमको सेव करना है। इस तरीके से कोई भी एक नाम में यहाँ टाइप इन कर देंगे, इस तरीके से सेव कर लेंगे, ये आपका डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको सब कुछ देख रहे हैं कि परफेक्ट तरीके से बन चुका है पिक्चर का। अगर कलर सेप वगैरह चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रिव्यू वाला जो ऑप्शन है इसके बगल में है व्यू, इसके बाद फॉर्मेट, तो फॉर्मेट पे आपको जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा जो है इसका पिक का लुक चेंज करने के लिए आप यहाँ पर मिल जाता है। देखिए मैं जो भी यहाँ पर डाल रहा हूँ इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारा भर भर के फ्रंट यहाँ मिल जाता है फॉर्मेट पे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इसमें बहुत सारा है जो भी आप इसमें यूज करना चाहते हैं, देखिए इसमें ढेर सारा है। तो अपना फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड यहाँ बहुत ही आसानी से जिस पे कर्सर लेके जाइएगा वो सेलेक्ट यहाँ पर देखिए हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो का जो भी है इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए हमको ये अच्छा लग रहा है, मैं इस पर ओके कर देता हूँ और देखिए ये मेरा ये सेलेक्ट हो चुका है। अब बहुत ही परफेक्टली तरीके से शानदार लग रहा है। सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट साइड में, इस पर ओके करेंगे, यहाँ सेव एज़ है, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन आ चुका है फाइंड एड इन फॉर अदर फाइल फॉर्मेट, इस पर यहाँ देखें PDF और XPS, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको सेव करके इसको आपको रख लेना है, या आपको दूसरा ऑप्शन आ जाता है सिंपली इसको सेव एस पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इसको आप डेस्कटॉप चूज कर लेंगे और इस तरीके से कोई भी आप यहाँ फाइल नाम डाल देंगे, जिसमें यहाँ पर नाम डाल देता हूँ फाइल, कोई भी आपने यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर मैं फाइल नाम डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइल नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी फाइल नाम, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। इस तरीके में फाइल नाम डाल दिया, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप चूज कर लिया, इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फाइल ये डेस्कटॉप पे आ चुका है। चलिए मैं अब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ओपन करने के बाद आप जो भी बनाए थे वो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो करता है। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप पर एक CV तैयार कर सकते हैं, और आप इंटरव्यू में या जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अपना जो ये है CV वो लगा सकते हैं। ये कुछ साइड में लग रहा है, इसको इस तरह से सेलेक्ट करके इसको आप मीडियम में कर सकते हैं, इस तरीके से साइड में कर सकते हैं, इस साइड में कर सकते हैं, या जहाँ भी करना चाहते ये उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहने देते हैं, कुछ सही लग रहा है मीडियम में, तो इस तरीके से आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से CV बनाना है और आपका बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये CV देखने में भी लगता है। तो इस तरीके से आपको अपने लैपटॉप पे आप CV आप खुद से आप बना सकते हैं, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना शॉप पे जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।